सो लेट अस स्टार्ट दिस इंग्लिश क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइनोनिम और एंटोनिम्स के, बेस्ट साइनोनिम एंटोनिम्स जो जरूरी है आपके लिए, जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे आएंगे, वैसे हम लोग साइनोनिम और एंटोनिम्स को करने वाले हैं। क्योंकि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर कायदे से देखी जाए तो इंग्लिश के डिक्शनरी का, जैसे पूरा डिक्शनरी आप देखते हैं, सेम तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे साइनोनिम और एंटोनिम्स हैं, पर जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है वैसा अभी मैं डिस्कस करते चलूंगा। तो आप उसको नोट डाउन या फिर आप ध्यान रखिएगा, या फिर रिकॉर्डेड करके जब इसका अपलोड कर दिया जाएगा तो वहां से आप नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, एक एक करके जो भी सारा टॉप साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है उसको लेकर के मैं डिस्कस कर दूंगा, इसके मीनिंग को मैं बता दूंगा। तो पीडीएफ आपके ग्रुप में गया है, पीडीएफ को आप देख लीजिएगा बाद में, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए ये वाला पीडीएफ आपको गया है, एंड दिस इज द पीडीएफ फॉर द साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और साथ में इसका एग्जांपल भी आपको दिया गया है फुल डिटेल्स के साथ। और इसमें ए से स्टार्ट होता है जो अप टू जेड तक जाता है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच करते हुए पूरे जेड तक जाता है। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए जाना जरूरी है, इसको समझिएगा। इधर साइड के बारे में बात करें तो इधर वर्ड्स रहेगा, यानी जिस वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बीच में है साइनोनिम। साइनोनिम कहने का मतलब होता है सेम मीनिंग, मतलब सेम उसका मीनिंग हो। और एंटोनिम कहने का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मतलब इस वर्ड के लिए अपोजिट क्या है और इस वर्ड के लिए सेम वर्ड क्या है। इस तरीके से हम लोग एक एक करके वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। सो देखिए यहां से स्टार्ट होता है और जो जो जरूरी है उसी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं। सबसे पहला वर्ड देखे आता है एबिट। एबिट के बारे में बात किया जाए तो एबिट का मतलब क्या होता है, घटना या डिक्रीज होना है, मतलब डिक्रीज होना या मॉडरेट होना, ये इसका क्या है साइनोनिम्स है इधर, और इधर क्या है एंटोनिम है, मतलब उल्टा है। तो एबिट के बारे में बात करें तो एबिट का मतलब होता है डिक्रीज होना या मॉडरेट होना, और इसका एंटोनिम होता है एग्रेवेट होना, ठीक है, मतलब बढ़ जाना। ये हो गया, यहां से जो जो इंपॉर्टेंट है बस इंपॉर्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद एडहेयर है, एडहेयर को ध्यान रखना है। एडहेयर का मतलब होता है कॉम्प्लाई करना या ऑब्जर्व करना, मतलब ध्यान से देखना, एडहेयर का ये मतलब होता है। तो इसका उल्टा वर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंटेमन मतलब मना करना और डिसजॉइन होना, ये दो इसका वर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखे आते हैं एक्यूमेन में। एक्यूमेन के बारे में बात करें तो एक्यूमेन का मतलब होता है अवेयरनेस या ब्रिलियंस, जो तेज आदमी होता है उसको हम लोग एक्यूमेन कहते हैं। और इसके अपोजिट में, इसके एंटोनिम में इसका वर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टुपिडिटी और इग्नोरेंस। तो ये तीन वर्ड हो गया। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद देखिए यहाँ है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ देखिए है एकॉर्ड। एकॉर्ड के बारे में बात करें तो एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब सहमति होना, या इसी का दूसरा नाम हारमोनी भी है। तो इसके अपोजिट में इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्कॉर्ड कहेंगे। एकॉर्ड का क्या होगा एंटोनिम, डिस्कॉर्ड होगा। तो ये हो गया साइनोनिम, ये हो गया एंटोनिम। इसके बाद यहाँ एडवर्सिटी के बारे में, एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी का मतलब होता है कह सकते हैं दुर्भाग्यवश। तो एडवर्सिटी का वर्डिंग, एडवर्सिटी का सेम मीनिंग क्या होता है, साइनोनिम क्या है, मिसफॉर्चून या क्लेमिटी, और वहीं इसका एंटोनिम क्या है, प्रोस्पेरिटी और फॉर्चून। तो ये आपका एडवर्सिटी का प्रोस्पेरिटी, ये आपका पूछा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एडवर्सिटी का क्या होता है प्रोस्पेरिटी, इसका एंटोनिम होता है, या फॉर्चून कह सकते हैं मतलब भाग्य से, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य से। इसके बाद एडहेरेंट को भी रखिएगा। एडहेरेंट का मतलब होता है फॉलोवर, मतलब फॉलो करने वाला। तो एडहेरेंट का साइनोनिम क्या हो जाएगा, फॉलोवर या डिसिपल, जबकि इसका एंटोनिम होगा रिवाइल और एडवर्सरी। इसके बाद आता है देखिए एडमेंट के बारे में। एडमेंट के बारे में बात करें तो एडमेंट का मतलब होता है स्टबबॉर्न या इनफ्लेक्सिबल, मतलब मुड़ने वाला नहीं, जबकि इसका एंटोनिम होता है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। इसके बाद देखिए एलिन का मतलब, एलिन का मतलब होता है फॉरेनर, मतलब बाहर वाला व्यक्ति, या कह सकते हैं विदेश का व्यक्ति। एलिन का मतलब होता है फॉरेनर या आउटसाइडर, जबकि इसका एंटोनिम होता है नेटिव, यानी मातृभूमि वाला, अपने देश वाला, या रेजिडेंट। याद रखना है एलिन का होता है साइनोनिम, एलिन का साइनोनिम होता है फॉरेनर या आउटसाइडर, जबकि इसका एंटोनिम होता है नेटिव और रेजिडेंट। इसके बाद यहाँ वाला इस वर्ड को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एले के बारे में। एले का मतलब होता है पेसिफाई,
यस्टूथ यासूथ, और इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रेवेट या एक्साइट, मतलब एक्साइटमेंट मतलब कह सकते हैं कि खुशी से उछलने टाइप में। स्पेसिफाई का मतलब होता है शांतचित रहना, यानी एले का मतलब क्या है, शांतचित रहना, जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट कंडीशन में, मतलब कह सकते हैं उथल पुथल, या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शांत नहीं रहना। एग्रीवेट का मतलब या एक्साइटमेंट का मतलब यही होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए असेंडिंग का, असेंडिंग सीखे थे ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैथ में सीखे होंगे। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, क्लाइम करना या एस्केलेट करना, मतलब ऊपर जाना, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग यानी कि घटना या डिक्लाइन करना, मतलब नीचे आना। तो असेंडिंग का मतलब याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है एक्सियोम, एक्सियोम के बारे में बात करें तो जैसे मैथ में होता है एक्सियोम और पोस्टुलेट, अब क्लास 9 में पढ़े होंगे, वही वाला एक्सियोम है। तो एक्सियोम का सेम मीनिंग क्या होता है, एडेज या ट्रूइज्म, जबकि इसका अपोजिट क्या होता है, एब्सर्डिटी या ब्लंडर, याद रखना है। इसके बाद यहां देखिए इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है ट्रूथ, जिसपे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक का साइनोनिम होता है एक्यूरेट या फिर क्रेडिबल, जबकि इसका एंटोनिम होता है फिक्सियस और अनरियल। इसके बाद ए खत्म हो चुका है, बी में एंट्री कर चुके हैं, बी में यहां ध्यान रखना है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, मतलब टूट जाने वाला। ब्रिटल का मतलब जैसे सोना क्या होता है, ब्रिटल होता है, इसको आप पीटिएगा, आप सोना चांदी, लोहा क्या होता है, लोहा ब्रिटल होता है, लोहा भंगुर होता है, तो वही वाला केस है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रेकेबल होता है या क्रिस्प होता है, जबकि इसका एंटोनिम क्या होता है, टफ होता है, इंड्यूरिंग होता है। तो ब्रिटल के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आता है बैरियर, बैरियर का मतलब रोकने वाला, तो बैरियर का क्या होता है साइनोनिम, बैरिसेड और ऑब्स्टेकल, जबकि इसका एंटोनिम होता है लिंक और असिस्टेंस। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछेगा, ऑप्शंस आपको दे देगा, आप देख लीजिएगा क्या उसका साइनोनिम है, क्या उसका एंटोनिम है, इसके लिए थोड़ा सा आपको याद करना है इस केस में। इसके बाद यहां देखे आते हैं बीजी, बीजी के बारे में बात करें तो बीजी का साइनोनिम क्या होता है, एक्टिव या इंगेज्ड, जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा, आइडियल या फिर लेजी पर्सन। बिजी का मतलब होता है जो व्यस्त आदमी है, उसके साइनोनिम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक्टिव और इंगेज्ड, जबकि इसके एंटोनिम के लिए यूज करेंगे आइडल और लेजी पर्सन, लेजी यूज करेंगे। इसके बाद ब्लिक को देखेंगे, ब्लिक, ब्लिक का मतलब होता है ऑस्टियर या ब्लैंक साइनोनिम के फॉर्म में, जबकि इसके एंटोनिम क्या होता है, ब्राइट और चीरफुल, याद रखना है। इसके बाद यहां देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है अक्सर बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बड़ा पूरा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एडवेंचरस साइनोनिम में, एंटोनिम में क्या कहेंगे, टिमिड, याद रखना है एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, टिमिड। तो बोल्ड का आपसे पूछ सकता है एंटोनिम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है, ब्लंट का मतलब हो जाएगा कि कह सकते हैं डल या इनसेंसिटिव, यानी मतलब धार ना हो, जैसे चाकू क्या होता है, ब्लंट होता है, मतलब धार अगर नहीं है तो उसी के लिए कहते हैं ब्लंट का मतलब होता है डल या इनसेंसेटिव, जबकि इसका एंटोनिम होता है नीन, कीन और क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ये उसका हो गया एंटोनिम। इसके बाद यहां देखिए है कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है क्षमता होना, तो इसके लिए साइनोनिम कह सकते हैं कॉम्पिटेंट, और इसके लिए साथ में क्या कर सकते हैं, एबल इसका साइनोनिम, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकम्पिटेंट और इनेप्ट, इसका ये हो जाएगा एंटोनिम। उसके बाद आता है यहाँ पे क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब होता है, क्लैमिटी का कहने का मतलब, क्लैमिटी का यहाँ साइनोनिम क्या हो गया, एडवर्सिटी और मिसफॉर्चून, जबकि इसका एंटोनिम क्या होता है, फॉर्चून मतलब भाग्यवश, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्यवश। तो क्लैमिटी का मतलब सिंपल सा होता है शांतचित होना, क्लैम का मतलब होता है शांत हो जाना, तो क्लैमिटी को लेकर के बात किया जाए तो क्लैमिटी का साइनोनिम हो जाएगा एडवर्सिटी और मिसफॉर्चून, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटिंग, जैसे कुछ प्रॉब्लम होता है कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन करने वाला, तो इसके साइनोनिम में यूज कर सकते हैं कैनी या डिवियस, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा आर्टलेस्ट या ऑनेस्ट, ये इसका हो गया एंटोनिम हो गया। इसके बाद यहां इंपॉर्टेंट है कंपेंसेशन, कंपेशन के बारे में बात किया जाए तो इसका साइनोनिम हो जाएगा काइंडनेस और सिंपैथी,
और इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रुएल्टी और बारबेरिटी, याद रखना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर याद रखना है दोनों को। कंक्यूर, कंक्यूर का मतलब क्या होता है, अप्रूव या एग्री, मतलब आपके साथ होना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफर और डिसएग्री, आपके एकदम अगेंस्ट में होना। कंसोलिडेट का मतलब होता है सॉलिडिफाई या स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना, और जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेपरेट या वीकेंड करना, यानी कि दूर करना या कमजोर करना। तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। इसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंस, मतलब पद्धति में, कॉन्सिक्वेंस मतलब लगातार बढ़ते जाना, तो कॉन्सिक्वेंस का क्या हो जाएगा सिनोनिम इफेक्ट और आउटकम, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिन या स्टार्ट करना। इसके बाद आता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का हो जाएगा सिनोनिम स्क्रॉन और डिसरिगार्ड, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा रिगार्ड और प्रेज, मतलब प्रशंसा करना। कंटेम्प्ट का सिंपल सा मतलब होता है बुराई करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, मतलब प्रशंसा करना यानी बड़ाई करना। इसके बाद कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस के बारे में बात करें तो इसका होता है साइनोनिम प्रोमिनेंट और ऑबिवियस, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्सील्ड और हिडन, मतलब छुपा करके रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का क्या हो जाएगा साइनोनिम डिसिमिलियर और कॉन्फ्लिक्टिंग, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा सिमिलियर और अलाइक। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रेरी को भी याद रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन क्लास 10 के मैथ में भी पढ़े होंगे कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह, तो कॉन्ट्रेरी वही वर्ड है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है डिसिमिलियर या कॉन्फ्लिक्टिंग करना, और इसका एंटोनिम हो जाता है सिमिलियर या अलाइक करना। इसके बाद नीचे देखिए यही वर्ड आया है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट वही कॉन्ट्रेरी के फॉर्म में है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है डिनाई करना या अपोज करना, मतलब विरोध करना, और इसका यही एंटोनिम हो जाता है अप्रूव करना या कंफर्म करना। इसके बाद आता है काल्म, काल्म का मतलब यही होता है शांतचित होना, तो काल्म को लेकर के काल्म का क्या हो जाएगा साइनोनिम हार्मोनियस और अनरफल्ड, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा उल्टा में हो जाएगा स्टॉर्मी या ट्रिबुलेंट, मतलब बहुत ज्यादा भड़काव में होना, भड़क जाना। तो काल्म का एंटोनिम क्या होता है, साइनोनिम क्या होता है देख लीजिएगा। इसके बाद आता है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का साइनोनिम हो जाएगा एक्लेम्ड और आयोनाइज्ड, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा अननोन और इनग्लोरियस। इसके बाद यहां इंपॉर्टेंट है चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, तो चीप को लेकर के क्या है चीप, चीप का साइनोनिम क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव और इनएक्सपेंसिव, यानी महंगा नहीं होना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा डियर और अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। आगे बढ़ते हैं तो आता है क्लासिक, क्लासिक का मतलब क्या होता है सिंपल या टाइपिकल, जबकि इसका एंटोनिम होता है रोमांटिक और अनयूजुअल, याद रखना है। इसके बाद आता है कंप्रेस, कंप्रेस का क्या हो जाएगा साइनोनिम एब्रीविएट और श्रिंक, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्पलीफाई और एक्सपेंड। इसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट करना, मतलब साथ देना या एकॉर्ड करना, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डिस्कॉर्ड करना। इसके बाद कॉन्सोलिडेट, ऊपर भी बताए थे कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है मजबूती देना, जिसका मतलब क्या साइनोनिम में कह सकते हैं सेंट्रलाइज करना या फोर्टिफाई करना, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा वीकेंड करना, मतलब कमजोर करना। इसके बाद कॉन्फिडेंट, ये भी आता है क्वेश्चन अक्सर, कॉन्फिडेंट का मतलब पूरा अंदर से क्या होना बोल्ड होना या अनडाउंटेड होना, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डिफिडेंट होना या क्राउडली होना। इसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है क्रिएशन, मतलब बनाने वाला, तो क्रिएशन के लिए क्या कह सकते हैं साइनोनिम फॉर्मेशन या फाउंडेशन, जबकि इसका एंटोनिम में कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आता है डी में डीके, डीके का मतलब क्या होता है कोलेप्स करना या डिकम्पोज करना, मतलब खत्म करना, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्लोरिश करना या प्रोग्रेस करना। इसके बाद ये आगे आते हैं डिमोलिश में, डिमोलिश का मतलब क्या होता है रिविन करना, मतलब बर्बाद करना या डिवेस्टेट करना, ये हो गया।
जबकि इसके एंटोनिम में क्या हो जाता है, इसको रिपेयर करना या कंस्ट्रक्ट करना। तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, खत्म करना, बर्बाद करना। तो डिमोलिश का साइनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या हो गया। इसके बाद यहां देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, ओपेक, मतलब आपको दिखेगा नहीं, अगर आर पार नहीं दिखता है तो क्या हम लोग कहते हैं ओपेक कहते हैं, मतलब इस पार से अगर हम लोग उस पार का नहीं देख पाए तो ओपेक कहते हैं, तो इसीलिए वर्ड आता है डेंस। तो डेंस का साइनोनिम होता है ओपेक या पिल्ड, जबकि इसका एंटोनिम होता है स्प्रेस या ब्रेनी। याद रखिएगा, इसके बाद डिस्ट्रक्टिव मतलब बर्बाद करने का क्या हो जाएगा, तो कैटेस्ट्रोफिक या प्रेंसियस, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएगा क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव। तो ए बी सी डी तक, डी तक पहुंच चुके हैं, कम से कम पांच छह वर्ड, एक पांच छह लेटर इसमें करते हैं, एक दो क्लास में करके साइनोनिम एंटोनिम पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए आता है इनक्यूम्ब्रेंस। इनक्यूम्ब्रेंस का मतलब वही क्या होता है, ऑब्स्टेकल मतलब रोकना। तो इनक्यूम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस करना या ऑब्स्टेकल करना, मतलब रोकना, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंसेंटिव करना या स्टिमुलेंट करना। इसके बाद आता है इनॉर्मस। इनॉर्मस का साइनोनिम क्या हो जाएगा, क्लॉसल या मेमोथ, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिमिनिटिव या नेग्लेजिबल। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, फेलेसी। फेलेसी के क्या हो जाता है, फेलेसी का मतलब कह सकते हैं कि भ्रामक फैलाना, यानी कि झूठ मूठ का अफवाह फैलाना, ये होता है फेलेसी का वर्डनिंग। तो फेलेसी का साइनोनिम हो जाएगा डिल्यूजन, यानी भ्रामक स्थिति फैलाना या मिस्टेक या गलती करना, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेरेसिटी या ट्रूथ, मतलब सच्चाई। इसके बाद फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है क्रूल, मतलब कठोर आदमी। तो फेरोसियस मतलब होता है क्रूल या फियरेस, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जेंटल या फिर सिंपैथेटिक आदमी, यानी सहानुभूति देने वाला, या कह सकते हैं दयावान आदमी। तो फेरोसियस भी पूछता है, तो फेरोसियस के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आता है फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक या फ्रेल, मतलब कमजोर। फीबल का मतलब होता है वीक या फ्रेल, जबकि इसका एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग या रबस्ट। याद रखिएगा। इसके बाद आता है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट करने का मतलब इनफ्लेक्सिबल होता है। फ्लक्चुएट का साइनोनिम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट या वेसिलेट, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज या फिर रिजॉल्व। इसके बाद आता है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेगाइल का साइनोनिम क्या हो जाएगा, वीक या इनफॉर्म। फ्रेगाइल का भी इससे मतलब होता है जो टूट यार, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेगाइल पर्सन। तो फ्रेगाइल का मतलब होता है वीक या इनफर्म, जबकि इसका एंटोनिम होता है इंड्यूरिंग या टफ। इसके बाद आता है फोरसेक। फोरसेक भी इंपॉर्टेंट में है। फोरसेक का क्या हो जाता है साइनोनिम, डिजर्ट या रिनाउंस, जबकि इसका एंटोनिम होता है होल्ड या मेंटेन। ई एफ हो गया, जी में एंट्री कर रहे हैं, जी में। यहां वर्ड इंपॉर्टेंट है जीनियन। जीनुअन के कहने का मतलब जो ऑथेंटिक हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट साइनोनिम और फैक्चुअल, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पिरुसियस। तो स्पिरुसियस हो गया। इसके बाद ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब जो लाइट मारे, जो चमके, जैसे प्रचार वगैरह में देखे होंगे तो ग्लोरी होता है। तो ग्लोरी का क्या हो जाएगा साइनोनिम, डिजिनिटी या रिनाउन। तो ग्लोरी वाला डिजिनिटी के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। ग्लोरी का क्या होता है, डिजिनिटी या रिनाउन, जबकि इसका एंटोनिम होता है सेम या डिसग्रेस। और इसका ग्लोरी के बाद ग्लोमी भी सेम उसी टाइप का वर्ड है, तो जिसका मतलब क्या होता है, ब्लीक या क्लाउडी, जबकि इसका एंटोनिम होता है गे या ब्राइट। तो ये सारे कुछ वर्ड थे, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी तक कवर किए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, और आगे बढ़ा दे, या आज के लिए इतना काफी है। इसको सबको क्या करना है, सबको नोट्स पे उतारना है, जो जो वर्ड बोलते गए हैं इसका ध्यान रखना है। या अगर आप लिखे होंगे नोटबुक पे तो आपको ध्यान रहेगा, सबको नोट्स पे उतारना है, जो जो एटलीस्ट बता रहे हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे टेस्ट में पूछेगा। तो नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं अपने हिसाब किताब से। रिप्लाई एनीवन, नोट्स तैयार कर रहे हैं ना अपने हिसाब से।
किए नहीं है सर, करेंगे। हाँ नहीं करेंगे नहीं, इसको करते जाइए ठीक है ना, नहीं तो फिर एक दिन पूरा पहाड़ हो जाएगा। इसलिए आप नोट्स को तैयार करते जाइए अपने हिसाब किताब से, ताकि आपको याद करने में आसान हो। चलिए आगे एच को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है, एच को बढ़ाते हैं। तो एच में अगर बात करें तो हैरेस, हैरेस का मतलब क्या होता है, इरिटेट करना या मोलेस्ट करना, मतलब पका देना या कह सकते हैं उबा देना, इरिटेट कर देना। तो हैरेस का मतलब क्या होता है, इरिटेट कर देना, जबकि इसका एंटोनिम होता है असिस्ट करना या कंफर्ट करना। तो एच को भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद ये भी वर्ड को रखिएगा, हाइडियस। हाइडियस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइटफुल या शॉकिंग, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव या एल्यूरिंग। हाइडियस करने का मतलब जो सबको पसंद नहीं आए उसको कह सकते हैं हाइडियस पर्सन है, तो इसके लिए साइनोनिम क्या यूज कर सकते हैं, फ्राइटफुल या शॉकिंग, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव या एल्यूरिंग। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आता है हारमोनी, हारमोनी का साइनोनिम क्या हो जाएगा, कन्फर्मिटी या एमिसी एमी कैपेबिलिटी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हम्बल रिक्वेस्ट, लेटर में आप लिखते होंगे हम्बल रिक्वेस्ट, तो हम्बल का साइनोनिम क्या होता है, मीक या टिमिड, जबकि इसका एंटोनिम होता है प्राउड या असर्टिव। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब अलग होना, तो इनडिफरेंट के लिए साइनोनिम के फॉर्म में कर सकते हैं, इनडिफरेंट का मतलब एक जैसा होना, डिफरेंट का मतलब अलग होता है, तो इनडिफरेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इक्विटेबल या हॉटी, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पार्शियल या बाइज्ड। इसके बाद आता है इम्पल्सिव, इम्पल्सिव भी इंपॉर्टेंट है, इम्पल्सिव के लिए क्या हो जाएगा, साइनोनिम फ्लैकी या इम्पिट्यूस, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस या डेलिब्रेट। इसके बाद आता है इंडिजेंट, इंडिजेंट के बारे में बात करें तो इसका साइनोनिम हो जाएगा डिस्टिट्यूट या इम्पोवरिस्ड, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा रिच और एफ्लुएंट। इसके बाद देखिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट में इंटरेस्टिंग का पूछेगा, तो इंटरेस्टिंग का साइनोनिम होता है इंचेंटिंग या रिविटिंग, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा डल या अनइंटरेस्टिंग। इसके बाद इमेंस, इमेंस इंपॉर्टेंट है, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो उसके लिए साइनोनिम कहेंगे ह्यूज या इनॉर्मस, जबकि इसका एंटोनिम कहेंगे पिनी या इनसिग्निफिकेंट। इसके बाद इमर्स, इमर्स के बारे में याद रखना है, इमर्स का मतलब होता है सबमर्ज होना या इन्वॉल्व होना, मतलब किसी में डूब जाना, यही कहलाता है इमर्स। तो इमर्स का साइनोनिम होता है सबमर्ज या इन्वॉल्व, जबकि इसका एंटोनिम होता है इमर्ज, मतलब उसे बाहर निकल जाना, या अनकवर करने का मतलब उसे निकल जाना, ये सिंपल सा कह सकते हैं। इसके बाद इम्पेयर, इम्पेयर याद रखना है, इम्पेयर का साइनोनिम क्या हो जाएगा, डिमिनिस या डेट्रियोट, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर या रिवाइव। इसके बाद इम्यूनिटी, ये भी पूछेगा आपका, इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रेरोगेटिव, और इसके साथ में इसका क्या होता है, प्रिविलेज, जबकि इसका एंटोनिम होगा ब्लेज और सेंस्योर। इसके बाद इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट के बारे में याद रखना है, इम्पीडिमेंट का मतलब क्या होता है, हर्डल या ऑब्स्ट्रक्शन, जबकि इसका एंटोनिम होता है असिस्टेंट और कंक्यूरेंस। इसके बाद इम्पार्शियल भी यहां से रखना है, इम्पार्शियल का मतलब होता है जस्ट या अनबाइज्ड, जबकि इसका एंटोनिम होता है प्रीजुडिस्ड या बाइज्ड। इसके बाद आता है इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट का हो जाएगा साइनोनिम इनइफिशियंट या अनस्किल्ड, मतलब जिसके पास कोई नॉलेज नहीं रहे बिना सीखा हुआ, तो उसी का एंटोनिम होता है डेक्स्ट्रस या अस्किल्ड, मतलब सीखा हुआ। इसके बाद ये भी है इंपॉर्टेंट में इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन इस तरीके से इंक्लाइन करता है, तो इंक्लाइनेशन का क्या हो जाता है साइनोनिम डिस्पोजिशन या अफेक्शन, जबकि इसका एंटोनिम होता है इनडिफरेंस या डिस इंक्लाइनेशन। तो डिस इंक्लाइनेशन के बारे में याद रखिएगा।
इसके बाद इनस्पीड, इनस्पीड का मतलब होता है टेस्टलेस, जिसका कोई टेस्ट ना हो, या फिर कह सकते हैं वैपिड, जबकि इसका एंटोनिम होता है डिलीशियस या फिर लूसियस। इसके बाद इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का साइनोनिम क्या हो जाएगा, इंडिजेंट या डिस्टिट्यूट, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा वेल्दी और सॉल्वेंट। इसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में, इंट्रिंजिक होता है, इंट्रिंजिक का मतलब होता है जेन्युइन या फिर फंडामेंटल, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रिनियस या इंसिडेंटल। चलिए आई तक रहने देते हैं, ठीक है, आई का एक लास्ट वर्ड इरिप्रेसिबल का क्या हो जाएगा, इरिप्रेसिबल का हो जाएगा इरिस्टिबल और अनकन्फाइंड, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपोज्ड और हेजिटेंट। तो आई तक हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है ना, आई के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक हो चुका है, फिर जे के कह सकते हैं कि एक और क्लास में या एक से दो क्लास में ही हमारा साइनोनिम और एंटोनिम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब मॉक टेस्ट वाला टाइम आएगा, जब टेस्ट वाला टाइम में, तो साइनोनिम एंटोनिम का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे, जो पहले पूछा है या फिर जो पूछ सकता है वैसा सारे साइनोनिम एंटोनिम्स को याद करवा देंगे। तो आपका बस इसमें मेन काम है याद ही करना, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं, सब सिंपल सिंपल सा वर्ड है ना, इसमें आपको याद करना है ज्यादा। तो जितना आपको बताए हैं सबका नोट तैयार कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और बाकी कल वाला इंग्लिश क्लास अपलोड हो गया है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला इंग्लिश क्लास कल का अपलोड हो गया है, और इसको भी अपलोड कर दे रहे हैं। सर मैथ का ट्रिगो वाला नहीं किया है, ट्रिगो वाला रह गया, ट्रिगो वाला पीडीएफ तैयार हुआ था बाद में, फिर पीडीएफ दिए नहीं थे, ठीक है, पीडीएफ उसका पीडीएफ ही नहीं आया है, तो ठीक है पीडीएफ उसको दे दे रहे हैं, उसका तैयार हुआ था जैसे तैसे, उसको हम दे रहे हैं, इसके बाद यही दे रहे हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। और इधर इसका आप नोट्स तक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका नोट तैयार करके याद कीजिएगा धीरे धीरे, सोचिएगा कि एक बार याद हो जाए तो संभव नहीं रहेगा, इसलिए अभी से 10 वर्ड 5 वर्ड 20 वर्ड कर करके धीरे धीरे याद करते जाइएगा, तो आसान होगा आपके लिए, ठीक है। फिर थैंक यू, क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा और सारा नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा।